हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आप मेरे पीछे देखेंगे, आज मैं आया हूं गैलेक्सी कार्स में और यहां पे सेकंड हैंड कार जो है डील की जा रही है, यानी सेकंड हैंड कार बाज़ार है। अच्छी कंडीशंस में कार मिल रही है, सभी तरह की कार यहां पे आपको मिलेगी, होंडा, हुंडई, टाटा, टोयोटा, मारुति। तो कोई भी जो कार अगर आपको पसंद आती है तो डायरेक्ट आप यहाँ से परचेज़ कर सकती है, अच्छी डील हो सकती है। सभी कार्स की जो है फीचर, उनका मॉडल और उनका जो एस्टिमेटेड प्राइस है यहाँ पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटा सा लुक मैं आपको दे देता हूँ कितना जो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है और कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर आपको मिलेगी, सियाज, एस क्रॉस, डस्टर, नेक्सन, सेलेरियो, हर तरह की गाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी। उससे पहले अगर डिटेल की बात की जाए तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपनी जो डिटेल देने की है। ये गाड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, सेलेरियो गाड़ी जो है मारुति सुजुकी की, इसकी जो डिटेल मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। उससे पहले आप एक बार फ्रंट प्रोफाइल आप ये देखिए, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितना अट्रैक्टिव कलर है इस गाड़ी का। बैक प्रोफाइल है, फिर इंटीरियर है, इंटीरियर भी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, मारुति सुजुकी की सेलेरियो ZXi जो कि टॉप वेरियंट में है, और बात की जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं चली है ये, काफ़ी न्यू कंडीशन में गाड़ी आपको मिलेगी। सिर्फ 28,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने रन किया है। इंटीरियर की अगर बात की जाए इस सेलेरियो गाड़ी की, तो काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, काफ़ी न्यू कंडीशन के साथ गाड़ी रखी गई है, तो आपके लिए अच्छी डील हो सकती है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कलर इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ऑरेंज कलर। बाकी यहाँ पर जो डिमांड है दोस्तों इस गाड़ी की, जो कॉस्ट रखी गई है 4,90,000 रुपये में ये सेलेरियो मारुति सुजुकी की आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की, मारुति सुजुकी की बलेनो गाड़ी है ये भी, जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लू कलर के अंदर है। ये प्रोफाइल आप देखिए इसकी, फ्रंट प्रोफाइल, और फिर मैं इंटीरियर गाड़ी का आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अन्य कंडीशन के साथ गाड़ी आ रही है। मॉडल की बात की जाए इसकी, तो ये जो है 2018 डेल्टा मॉडल आपको मिलेगा बलेनो का, और ये भी ज़्यादा नहीं रन किया इस गाड़ी ने, सिर्फ 25,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए यहाँ पर, तो 5,70,000 रुपये में ये गाड़ी अवेलेबल है। इसकी बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं, तो आपको नहीं लगेगा दोस्तों कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे रखा गया है इस गाड़ी को। नेक्सा ब्लेनो, अब हम जो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी इसका काफ़ी साफ है, वेल कंडीशन के साथ रखा गया है दोस्तों, अच्छी सीट क्वालिटी मिलती है, यानी कि गाड़ी आपको जो है ज़्यादा पुरानी नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये गाड़ी आपके लिए अच्छी डील हो सकती है, तो यहाँ पर ये जो गाड़ी मिल रही है 5,70,000 रुपये में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने लगी हुई है दोस्तों, मारुति सुजुकी की सियाज। ये गाड़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी प्यारा कलर है इस गाड़ी का। और उससे पहले एक बार आप प्रोफाइल देखिए, गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, कितना अट्रैक्टिव लग रही है। बैक प्रोफाइल भी मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ, इंटीरियर भी गाड़ी का दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस गाड़ी का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है और कितनी गाड़ी चली हुई है। उससे पहले एक बार मैं प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की, काफ़ी वेल कंडीशन है, किसी तरह का स्क्रैच या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों गाड़ी के मॉडल की बात की जाए तो सियाज 2017 ZDi+ मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल है गाड़ी का, और ज़्यादा गाड़ी ने रन नहीं किया, ये गाड़ी सिर्फ 56,000 किलोमीटर चली है। तो अंदर से कंडीशन अगर आप देखेंगे गाड़ी की दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वे में इस गाड़ी को रखा गया है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। तो अच्छा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, और ये जो कंट्रोल आप देख सकते हैं स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। तो इस गाड़ी की डिमांड यहाँ पर रखी गई है 6,40,000 रुपये दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी डील हो सकती है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। अब
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की। नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने लगी हुई है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। ये गाड़ी आप देखिए एस क्रॉस गाड़ी लगी हुई है जो कि 2016 मॉडल है, डेल्टा वेरिएंट है। और बात की जाए तो इस गाड़ी के लुक की, तो लुक में तो आपको जैसे कि पता है एस क्रॉस काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी न्यू कंडीशन के साथ गाड़ी है दोस्तों, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। दूसरा, यहाँ पर आपको अगर लगता है कि ये जो प्राइस है डिज़र्व करती है तो बिल्कुल आपको यहाँ से परचेज करना चाहिए। यानी कि एस क्रॉस डेल्टा ये जो गाड़ी है यहाँ पर 2016 मॉडल है जो कि 79,000 किलोमीटर रन कर चुकी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट इस गाड़ी का 5,80,000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी जो इंटीरियर है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है गाड़ी ये, जैसे कि हमने पिछली गाड़ी भी देखी है। सभी गाड़ी लगभग अच्छी कंडीशन में है, साफ़ गाड़ी है, आपको नहीं लगेगा दोस्तों कि गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है। यानी कि एक अच्छी कंडीशन के साथ यहाँ पर गाड़ियों को रखा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने ये लगी हुई है मारुति सुजुकी की सेलेरियो, जो कि दिखने में आप देखिए काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी लग रही है। और बात की जाए यहाँ पे मॉडल की तो VXI वेरिएंट है ये, जो कि 2018 मॉडल है। आगे से भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मारुति सुजुकी सेलेरियो। अब तो हालांकि इसका नया वेरिएंट आ गया है, बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है मारुति सुजुकी सेलेरियो। लेकिन अगर आप अभी भी सेलेरियो को पसंद करते हैं और आपके बजट में गाड़ी है तो आपके लिए अच्छी डील हो सकती है ये। इसकी बात की जाए तो 2018 मॉडल है जो कि 37,000 किलोमीटर रन कर चुकी है और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ओनर है कार है ये, डिमांड की जा रही है 4,40,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि 4,40,000 रुपये ये गाड़ी डिज़र्व करती है तो आप इसे बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने मारुति सुजुकी स्विफ्ट VDI जो कि 2015 मॉडल है, कुछ इस तरह की दिखती है गाड़ी। गाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों 74,000 किलोमीटर रन कर चुकी है गाड़ी, 2015 मॉडल है और फर्स्ट ओनर कार है ये। इसके अलावा यहाँ पर जो डिमांड है सर की गैलेक्सी कार्स पे 4,25,000 रुपये में ये कार आपको मिल रही है। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी है आपके सामने टोयोटा लीवा जो कि 2015 मॉडल है, कुछ इस तरह की दिखती है। हालांकि ये गाड़ी 2015 मॉडल है फिर भी गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखा गया है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड गाड़ी को रखा गया है। और बात की जाए इसके प्राइस की तो यहाँ पर जो गाड़ी का प्राइस है दोस्तों 4,25,000 रुपये यहाँ पर डिमांड है और गाड़ी रन कर चुकी है 78,000 किलोमीटर, कुछ इस तरह की ये गाड़ी दिखती है। बाकी जो है इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी है आपके सामने डस्टर की, डस्टर गाड़ी आप देखेंगे जो कि RXZ वेरिएंट है, 2014 का टॉप मॉडल गाड़ी है, 71,000 किलोमीटर ये गाड़ी रन कर चुकी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 4,40,000 रुपये इस रेनो डस्टर के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपको पसंद है तो। काफ़ी ठीक ठाक दिखती है गाड़ी दोस्तों, रेनो डस्टर काफ़ी ज़्यादा सेल की थी रेनो की, इसने काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ाई थी। अब इसका जो है इंटीरियर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रेनो डस्टर के अंदर और रेनो डस्टर अंदर से कुछ इस तरह की आपको लगेगी, नॉर्मल सा जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा जो कि डस्टर गाड़ी के अंदर मिलता है।
तो फर्स्ट ओनर कार है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर RXZ टॉप वेरिएंट 2014 मॉडल है, 44,000 किलोमीटर गाड़ी रन कर चुकी है, और 71,000 किलोमीटर ये गाड़ी रन कर चुकी है, और यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस गाड़ी का 4,40,000 बताया गया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा कार्स लगी हुई है, ये कारों का स्टॉक है, इनमें से कोई भी कार कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो डायरेक्ट आप जो है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है सर के पास गाड़ियों का, और यहाँ पे डीजल पेट्रोल CNG हर तरह की गाड़ी मिलेगी। एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गैलेक्सी कार्स गुड़गांव। तो कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है दोस्तों तो डायरेक्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।